जा रही हूँ आपको बताने जा रही हूँ रेसिपी दीवानी हांडी। इसके लिए आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिए और फिर ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा मेरी सब्जी कैसे बनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की एक बहुत ही अच्छी सब्जी। आप लोगों ने आलू पालक, आलू की भुजिया और मिक्स आलू पालक में कुछ भी मिला के खाया होगा, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल ही यूनिक चीज बताने जा रही हूँ, वो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप शायद सबको पसंद आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके यहाँ जो भी मिक्स वेजिटेबल्स हैं सबको बॉईल करके अच्छे से सुखा लेना है, छान देना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा आपको 250 ग्राम पालक लेना है और उसको उबाल के पीस देना है। और इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन कढ़ाई जो भी उसे गर्म करेंगे उसमें थोड़ा सा बटर डाल लेंगे। ये बटर कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, बटर भी हो गया, इसलिए हम ये सब्जी हल्की सी फ्राई कर लेंगे। इसी से थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, यानी कि आपको इसको रेड होने तक फ्राई करनी है, सिर्फ हल्की फ्राई करनी है। आपके घर में जो जो सब्जी आप वो ले सकते हैं। मैंने इसमें ली है गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, मटर और मैंने ये रखा हुआ है थोड़ा सा पनीर। ये सब्जी एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। हल्की ऐसी हो चुकी है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको सिर्फ हल्का ही ट्राई करना है आपको और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। आप मिक्स वेजिटेबल बनाते हो उसमें पालक का एक टेस्ट आ जाता है। जैसे मैं सोची बटर ऊपर से थोड़ा सा, आपके घर में जो भी है रिफाइंड सरसों का तेल आपको जिस पे भी पसंद हो वो डाल लीजिएगा। रूही आटो बेटा, ये देखिए रूही भी खाना बना रही है मेरे साथ। ये जैसे ही गर्म हो जाए आप इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से डालिएगा, जीरे का फ्लेवर एक बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आप इसमें डालिए लहसुन, मैंने एक लहसुन पूरा चॉप किया था और एक दो प्याज लिए। अब इसको आप हल्का सा रेड होने तक इसको फ्राई कर लीजिए। और हाँ, मैंने 3-4 हरी मिर्ची ली थी चॉप की है, उसको भी डाल लीजिए इसमें। हल्का सा फ्राई कर लीजिए। प्याज देख रहे हैं आप, हल्का हल्का ब्रेड हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा इसमें ही भून लीजिएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता है, इसको भून लीजिएगा। फिर हम आप इसमें अपने हिसाब से मसाले डालें। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और इसको हल्का सा भून लेंगे क्योंकि एक धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं इसमें फिर डालूंगी अपने टेस्ट के अनुसार मिर्ची, आप लोग ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा, कम खाते हो तो कम। ये है मसाला, साबुत मसाला, और ये है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और अपने स्वाद के अनुसार नमक। मसाले अपने हिसाब से ही डालेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने, मैंने ये 250 ग्राम पालक लिया था और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है उबाल के, वो इसमें डाल देंगे। पालक अच्छे से पहले इसमें 2-4 मिनट भून लेंगे। इस टाइप से टमाटर अच्छे से इसमें वो पटेंगे जिससे कि अच्छे से भून जाए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पालक को पकाया नहीं तो ये कैसा अच्छा लगेगा, इसको हमें उबाल लीजिएगा ज्यादा टाइम तो ये अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा ऐसे भून लीजिए अच्छे से। उसके बाद को आप इसमें डालिए, आपके यहाँ फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम, ये मैं अमूल की फ्रेश क्रीम यूज करती हूँ।
घी वहाँ अच्छे से डालेगा, जितनी डालेगा उतना ही टेस्ट आएगा, इसमें तंदूर की मत कीजिएगा। ये देखिए अब ये क्रीम के साथ पकेगा पालक थोड़ा सा, दो चार मिनट इसे इसके साथ भूनिएगा। देखिए गाइस 5 मिनट मैंने इस पालक को पका लिया है क्रीम के साथ, अब हम इसमें डाल देंगे जो भी वेजीज हमने फ्राई की थी। अब हम इसको अच्छे से इसमें ही फ्राई करेंगे और यह है पनीर, इसमें पनीर भी डाल देंगे, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको डालना हो पनीर तो डालिएगा, नहीं डालना हो मत डालिएगा, लेकिन पनीर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये पालक की एक नई डिश है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ये सब्जी को हम थोड़ा ऐसे ही भून लेंगे। आप लोग भी देख रहे होंगे पालक इसमें पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आप पालक के साथ इसे जरूर बनाइएगा। चलिए हम इसमें निकाल लेती हूँ। देखिए गाइस सब्जी हो चुकी है रेडी, हम इसको थोड़ा क्रीम डाल के सजा देंगे। ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी, आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ चाहे सब कर सकते हैं। अगर आपको ये सब्जी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स करना, मैं आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी सब्जियां बनाकर दिखाऊंगी।